मैं नोएडा एक्सटेंशन का भी रुख कर रही हूँ। मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ बने हुए हैं। मोहम्मद यूसुफ, आनंद विहार से ही सटा हुआ, कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है नोएडा, यहाँ की क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा, यहाँ जो हालात है वो दिन पे दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। जो सड़कों पर ये हालात है कि जो विजिबिलिटी है जो फॉग से होती थी 500 मीटर 300 मीटर लगभग कमोबेश वही स्थिति जो है वो अब स्मॉग से हो गई है, क्योंकि जो यहाँ पे सड़कों पे जो लोग जो विजिबिलिटी है वो बिल्कुल 300 से 500 मीटर के आसपास रह गई है। और नोएडा के हालात, क्योंकि नोएडा जो है पिछले जो इस सीजन का कहिए तो सबसे बड़ा पॉल्यूटेड शहर रहा है, क्योंकि नोएडा में कल जो पॉल्यूशन का स्तर है वो करीब 650 के पास रहा है। आज भी जो प्रदूषण का स्तर है करीब 550 तक है अभी, क्योंकि सुबह का वक्त है, जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे गाड़ियों से जो निकलने वाला प्रदूषण है उसके जो पैमाना है उसको बढ़ाएगा, और इंडस्ट्री शुरू हो जाएगी तो उसमें भी इसका जो फर्क है वो सीधे तौर पे पड़ेगा। हालांकि दिल्ली में जो स्कूली बच्चे हैं उनकी जो छुट्टियां हैं वो हो गई हैं, लेकिन यूपी सरकार ने या नोएडा एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी इस पर विचार नहीं किया है, क्योंकि सबसे पॉल्यूटेड शहर होने के बावजूद भी यहाँ पर जो स्कूल है वो बंद नहीं किए गए हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से लगातार यहाँ पर कोशिश की जा रही है, करीब 85 जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर पानी का छिड़काव कर रही हैं ताकि प्रदूषण का स्तर जो है वो किसी तरीके से कम किया जा सके। वहीं जो सड़कों की सफाई है वो मशीनों के जरिए हो रही है, क्योंकि यहाँ पर विकासशील सिटी है तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो है वो काफी साइड चल रही थी। हाँ, मैं आपको तस्वीर दिखाने, बिल्कुल मैं आप सामने तस्वीरों पे दिखाना चाहूंगा, अगर दिखा, ये जो सूर्य देवता आप देख रहे हैं जो स्क्रीन पर जो सूरज है वो बिल्कुल एकदम चारों तरफ से जो धुंध है उसकी चादर ने घेरा हुआ है। और जो दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो ट्रैफिक की स्थिति है वो आप सामने तस्वीरों में देख रहे हैं, जो गाड़ियां हैं वो इस समय रेंग रेंग कर चल रही हैं, क्योंकि जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी कम हो गई है, जिसके कारण जो गाड़ियां हैं वो अपनी स्पीड पर नहीं जा रही हैं। इसलिए ये एक और मैं दूसरी तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा, ये बिल्कुल मैं ये जो आप सामने तस्वीरों में बिल्डिंग देख रहे हैं ये बिल्डिंग मेरे से केवल जो है वो 50 से 60 मीटर दूर है, लेकिन कितनी धुंधली नज़र आ रही है ये आप साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो दूसरी एक और बिल्डिंग है जो पीछे की साइड में दिख रही है वो करीब 150 मीटर दूर है, जो कि पूरी तरीके से विजिबल नहीं है, एक धुंधली सी जो परछाई की तरह वो बिल्डिंग जो है वो नज़र आ रही है। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो जो स्मॉग है, स्मॉग की चादर ने पूरे वातावरण को इस कदर कवर कर लिया है कि जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी बेहद कम हो गई है। हालांकि लोग जो है कामकाज वाले जो लोग हैं वो सड़कों पर जरूर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ऑफिस का दिन है, लोगों को ऑफिस भी जाना है, सुबह का वक्त है, तो लोग कहीं ना कहीं जरूर सावधानी बरतते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस जो स्मॉग है इससे लोगों को परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि मॉर्निंग वॉक के जो बुजुर्ग हैं, जो और नौजवान हैं जो मॉर्निंग वॉक के लिए सुबह पार्कों में निकलते हैं, स्टेडियम में निकलते हैं, तो उन्होंने निकलना फिलहाल बंद कर दिया है, क्योंकि जो प्रशासन है प्रशासन ने भी कुछ एडवाइजरी जरूर जारी की है। हालांकि कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन जो कोशिश कर रही है वो नाकाफी है, क्योंकि उसके लिए जिस तरीके से जो सबसे प्रदूषित शहर जो है वो नोएडा माना गया है उससे उसके देखते हुए जो हालात है वो बद से बदतर हो गए हैं, क्योंकि उसके लिए और जरूर प्रशासन को कुछ और थोड़े से और टाइट कदम जो है वो बिल्कुल। दिल्ली एनसीआर में सबसे प्रदूषित इस वक्त नोएडा ही नजर आ रहा है, जहां पर 400 का जो ये आंकड़ा है ये 2-3 दिन पहले ही पार किया जा चुका है, और अब तक भी जो तमाम अगर यहां पर प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं तो वो भी फिलहाल नाकाफी साबित हो रहे हैं। गाड़ियों की बढ़ती संख्या, सिर्फ अभी 8 बजे का वक्त है और आप देखिए कितनी गाड़ियां हैं सड़कों पर, एक बड़ा फैक्टर प्रदूषण बढ़ाने को लेकर। लेकिन